नंदन, बहुत दिनों बाद हम लोग मुलाकात इस हेतु कर रहे हैं कि आज अनूपपुर जिले के अंतर्गत कोतमा थाना पुलिस द्वारा एक मुखबिर सूचना पर बहुत अच्छी और बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक सफ़ेद कलर की एसेंट कार के अंदर गांजे की सूचना पर पुलिस ने काफ़ी रेकी की और लगातार निगाह रखी। रात्रि में देर रात जब वाइट कलर की एसेंट कार रोड पे से जाती हुई दिखी, उसको पीछा करके रोका गया। रोकने के बाद जब उसमें चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक कहीं अंधेरे का लाभ उठा के गायब हुआ, और दूसरा दो व्यक्ति थे जिनके नाम एक महेंद्र सोनी है और दूसरा अंगद सिंह, पिता सुरेश सिंह, ये दोनों को राउंडअप किया। इनको विधिवत नए BNSS जो हमारे नई विधि है उसके मुताबिक इनको तलाशी के लिए पहले चेताया गया, उसके बाद स्वयं की तलाशी और बाकी जो प्रक्रियाओं का पालन किया गया। और चेकिंग के दौरान 14 पैकेट जो 5-5 किलो के थे उसमें गांजा पाया गया। ये टोटल 70 किलो के लगभग गांजा जब्त किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। गांजे का कुल मूल्य ब्लैक मार्केट में लगभग 7 लाख रुपए है और कार की कीमत भी अनुमानित 7 लाख निर्धारित की गई है। अभी दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड ली जाकर पूछताछ की जाएगी। प्रथम पूछताछ के दौरान पाया गया कि ये छत्तीसगढ़ की ओर से गांजा लेकर आ रहे थे, ये संभवतः शहडोल की ओर जाना बताया है। इस संबंध में गहन पूछताछ की जाकर और अनुसंधान में इसको डेवलप किया जाएगा। धन्यवाद। के लिए हमारे YouTube चैनल